स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड यू आर सेफ एट योर होम. चिल्ड्रन, प्लीज कीप कंटिन्यू योर स्टडीज. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड एक्सप्लेन यू सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स. यू हैव टू लर्न ऑल दोज ऑब्जेक्टिव्स. टूडे आई एम स्टार्टिंग योर सिविक्स चैप्टर, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. दिस इज चैप्टर विच वॉज रिमेन. सो चिल्ड्रन, टूडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स, बिकॉज यू विल बी बेटर लर्न दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टूड द चैप्टर. सो लेट सी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. What are the benefits of decisions taken by the consensus in a democracy? Answer: In a democracy, any decision taken by consensus is valid as it is approved by the people. Such decisions, in fact, solve the problem of people. Children, ऐसी में जो भी डिसीजंस हैं वो इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा लिए जाते हैं. आप जानते ही हैं कि क्योंकि हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको इलेक्ट करते हैं, तो डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस हैं वो वैलिड होते हैं क्योंकि वो लोग उन्हें अप्रूव करते हैं और ये डिसीजंस जो लोगों की प्रॉब्लम है उन्हें भी सॉल्व करने में एबल होते हैं. वॉट इज़ मीन्ट बाय मेजॉरिटी रूल इन डेमोक्रेसी? Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different persons and groups may and can form a majority. अब यहाँ पर question है कि democracy में majority rule होता है, मतलब majority rule का मतलब है कि जिसको ज़्यादा vote मिलते हैं, majority rule है ना, वो rule करता है, तो majority rule होता है, इसका क्या मतलब है? तो रूल बाय मेजॉरिटी इसका मतलब है कि जो हर डिसीज़न है, हर केस में जो डिसीज़न है या इलेक्शन में जो भी डिसीज़न, जो भी लोग होते हैं जिन्हें ज़्यादा लोग वोट करते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो जिनको ज़्यादा वोट मिलते हैं है ना, वही मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं. वही जब मेजॉरिटी बताते हैं कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादा हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि मेजॉरिटी रूल है, मतलब ज़्यादा लोग जो जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट हो तो ज़्यादा लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी सत्ता में आ रही है, तो वो क्या कहलाया? मेजॉरिटी रूल. अब यदि इलेक्शन होते हैं और किसी प्रकार का चेंज होता है, तो जो मेजॉरिटी रूल मतलब जिसको लोग ज़्यादा लोग चुनेंगे वही लोग सत्ता में आएंगे, वही पार्टी सत्ता में आएगी, वही मेजॉरिटी रूल कहलाएगा. बहुत सारे लोगों के द्वारा रूल करना एक डेमोक्रेसी में यही होता है. हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ लेजिटिमेट? अब आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में वो लेजिटिमेट होती है? तो वह क्योंकि सिटीजन्स के द्वारा चुनी जाती है, इसलिए वह लेजिटिमेट होती है, मतलब वैध होती है. उसे क्या कहेंगे हम? वैध होती है. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट एज इट इज़ इलेक्टेड बाय सिटीजन्स. वह लीगल होती है, वैध होती है, क्योंकि वह सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट की जाती है. वॉट इज फेयर टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? इन सबस्टेंटिव टर्म्स इट मे बी रिस्पॉन्सिबल. Now, what is fair to expect from democratic government? In substantive terms, it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demand of the public and is largely free of corruption. Children, अब democratic government में हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी चीज़ें फेयर हो. वो किस प्रकार से होती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करें कि वो किस प्रकार से होना चाहिए? तो यदि हम बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो डेमोक्रेसी में लोगों की जो डिमांड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हमेशा तैयार होनी चाहिए गवर्नमेंट, और वह करप्शन से तो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए. What do you mean by dictatorship?
अब डिक्टेटरशिप का क्या मतलब है? द टर्म डिक्टेटरशिप मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एन इंडिविजुअल और पार्टी एक्वायर्स पावर बाय overthrowing the legitimately elected government and then rule the country without any regard for public opinion. आपको मालूम है, मैं भी आपको समझाया था कि यदि किसी इंडिविजुअल के द्वारा या कोई ऐसी पार्टी जो कि दूसरे लोगों को मौका ना देती हो और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो वैध शासन है, उसे हटा करके स्वयं शासन कर रही हो, मतलब कि डिक्टेटरशिप के द्वारा, मतलब तानाशाही से शासन कर रही हो, तो इस प्रकार की जो गवर्नमेंट है वह डिक्टेटरशिप कहलाती है। इसमें पब्लिक ओपिनियन को वो मार्जिनलाइज कर देते हैं, हाशिए पर रख देते हैं और अपनी मनमर्जी चलाते हैं। वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक्स टाइम टू टेक डिसीजंस? द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक्स टाइम एज इट एंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। शायद मैं ये मैंने आपको करवाया भी था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वह उसमें डिसीजंस लेने में समय लगता है। क्यों समय लगता है? क्योंकि उसमें कुछ मानदंड होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसीजर के तहत ही वह काम कर पाते हैं। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत सारे लोगों को जो है अग्री करना होता है, प्रोसीजर फॉलो करना होता है, जो भी नॉर्म्स हैं, मानदंड हैं, उनको मानते हुए, उनको नियम के तहत काम करते हुए पूरा चलना होता है। इस वजह से जो डिसीजंस हैं वो लेट होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स लाइक कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज adopted by the country. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यदि किसी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड होती है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होते हैं। सबसे पहले तो किसी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, फिर ग्लोबल सिचुएशन क्या है, उनकी दूसरे देशों के साथ उनका कोऑपरेशन कितना है, लोग उनको सहयोग कर रहे हैं दूसरे देश या नहीं कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ हैं वो किस प्रकार से वो अडॉप्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वही किसी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हेल्प के लिए हेल्पफुल होती हैं, वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहायक होंगी कि किस प्रकार से यदि ये सारी चीज़ें उनके लिए अच्छी हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा। What is the biggest concern in a democracy? डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा biggest concern क्या होगा? तो the biggest concern in a democracy is that the right of the people to choose their ruler and control over the rulers remain intact. तो सबसे बड़ा जो डेमोक्रेसी का concern है वो यही है कि जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के पास अधिकार होता है गवर्नमेंट को या रूलर को चुनने का। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो है वो कंसर्न है। और यदि और बात करें तो जो कंट्रोल होता है, यदि देखा जाए तो इनडायरेक्टली लोगों का ही कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के ऊपर। ओके चिल्ड्रन, इस तरह से आपको ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको समझाए हैं। ये आपको अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना है और लर्न कर लेना है। आप सोचेंगे कि लिखें क्यों, तो मैडम की मैंने वीडियो तो डाल ही दिया है बेटा, यदि आप लिखेंगे नहीं तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, कुछ समय बाद आपसे लिखते नहीं बनेगा, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस करते रहें, कॉपी को कंप्लीट करते रहें। ओके तो चिल्ड्रन, नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड डे चिल्ड्रन।